कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। कल तक के वीडियो में हमने देखा था बस्तर इतिहास के पार्ट वन में छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के अंतर्गत हमने छिंदक वंश से संबंधित सभी क्वेश्चनों पर चर्चा किया और उस क्वेश्चन से संबंधित सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने देखा था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बस्तर का इतिहास पार्ट टू, जिसके अंतर्गत हम काकतीय वंश से संबंधित सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है? कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें जल्दी से आप मुझे कुरुषपाल शिला लेख के बारे में क्या करें, एक नोट लिख कर प्रस्तुत करें। ठीक है, किसके संबंध में? तो कुरुषपाल शिला लेख के संबंध में आप क्या करें, एक नोट लिख कर मुझे प्रस्तुत करें कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप छिंदक नागवंश का जो राजवंश है उसके बारे में मुझे बताएं कि छिंदक नागवंश के संस्थापक से लेकर अंतिम शासक तक किन किन राजाओं का उल्लेख है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि जो छिंदक नागवंश है उसकी कौन सी शाखा जो है शैव धर्म का पालन कर रही है, कौन सी शाखा वैष्णव धर्म का पालन कर रही है और इनकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त हो रही है, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये तीन क्वेश्चन है आपके लिए आज। आज हम अपना जो टॉपिक देख रहे हैं क्या, काकतीय वंश, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम रोज करते हैं अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, अन्नम देव के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके संबंध में? तो अन्नम देव के संबंध में आपको असत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला क्या बोल रहा है, दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। दूसरा कह रहा है इनका राज तिलक बड़े डोंगर में हुआ। तीसरा बोल रहा है इन्होंने विजयपुर नगर की स्थापना की। और चौथा बोल रहा है अन्नम देव ने 50 वर्ष शासन किया। इनमें से कौन सा जो कथन है वह असत्य है ये आपको बताना है। जल्दी से क्या करें, आप अपना आंसर दें, फिर मैं क्या करता हूं आपको कलचुरी वंश के बारे में थोड़ा पढ़ाना शुरू करता हूं। मैंने कलचुरी वंश बोल दिया था, काकती वंश पढ़ाना मैं आपको शुरू करता हूं। ठीक है, कभी कभी बोलते बोलते कुछ कुछ बातें निकल जाती है तो ऐसे बातों को आप क्या करें अपने से समझ जाया करें और भावनाओं पर ध्यान दें। ठीक है, किस पर ध्यान दें? तो भावनाओं पर ध्यान दें। लड़कों, भावना पर ध्यान नहीं देना है, किस पर ध्यान देना है? भावनाओं पर ध्यान देना है। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कलचुरी वंश के पृष्ठभूमि पर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, कि फिर कलचुरी वंश बोल रहा हूं, फिर आपको क्या करना है तो भावनाओं पर ध्यान देना है, ना कि किस पर, भावना पर। ठीक है, किस पर ध्यान देना है? भावनाओं पर। किसकी भावनाओं पर? तो मेरी भावनाओं पर ध्यान देना है। इधर उधर आइट साइड वालों को भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है अभी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या चर्चा करते हैं अभी, तो हम अभी चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो काकतीय वंश के पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आपने जब भारतीय इतिहास अभी पढ़ा होगा तो उसमें आप जब सल्तनत काल पढ़ रहे थे तो उस सल्तनत काल के समानांतर में आपने एक वंश देखा होगा जिसका नाम है काकतीय वंश, जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत वारंगल क्षेत्र में शासन करते हैं। ठीक है, कहां पर शासन करते हैं? तो दक्षिण भारत के अंतर्गत वारंगल क्षेत्र में शासन करते हैं। होता क्या है, 1290 से 1323 तक का जो समय रहता है उसमें काकतीय वंश के एक राजा जिनका नाम रहता है क्या, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का शासन रहता है। प्रताप रुद्रदेव जो द्वितीय रहते हैं वो
1290 से लेकर 1309 तक सफलतापूर्वक अपना शासन संचालित करते हैं। ठीक है, कब से कब तक? तो 1290 से लेकर 1309 तक क्या करते हैं? सफलतापूर्वक अपना शासन संचालित करते हैं। ठीक, इसके उपरांत ये जो काकतीय वंश है इनका संघर्ष शुरू होता है किससे? तो दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत अभी आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जो मॉर्निंग में लेक्चर आता है उसमें आपने देखा होगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपने देखा होगा गुलाम वंश, फिर आपने देखा होगा खिलजी वंश, फिर देखा होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के उपरांत आपने देखा होगा क्या? तो सैयद वंश, और सैयद वंश के उपरांत लोदी वंश। ये 5 राजवंश आपने उसमें देखे होंगे। इसमें जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासन रहता है तो खिलजी वंश के एक शासक पढ़ेंगे आप क्या? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक क्या पढ़ेंगे आप? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? अपना दक्षिण विजय अभियान चलाते हैं। क्या करते हैं? दक्षिण विजय अभियान चलाते हैं। और ये अपने दक्षिण विजय अभियान के तहत कहां पर आक्रमण करते हैं? तो बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र क्या रहता है आपका? वारंगल क्षेत्र, जहां पर काकतीय वंश का शासन रहता है। ठीक, काकतीय वंश के शासक उस समय कौन है? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय रहते हैं। ये प्रताप रुद्रदेव जो द्वितीय है, ये क्या करते हैं? जब खिलजियों का आक्रमण होता है, और खिलजियों की सेना क्या रहती है? बहुत विस्तृत रहती है, बहुत विशाल सेना रहती है। दिल्ली के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं वो 500,000 के स्थायी सेना की नींव रखे रहते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी विशाल सेना से अपनी छोटी सेना को लेकर विजय प्राप्त करना क्या लगता है? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को असंभव लगता है। और अपने राज्य की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं? पहले ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके सेनापति रहते हैं मलिक काफूर। ठीक है, कौन रहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहते हैं मलिक काफूर। और ये जो मलिक काफूर रहते हैं उनके समक्ष ही आत्मसमर्पण करते हैं कौन? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। अब आत्मसमर्पण कैसे करते हैं? तो प्रताप रुद्रदेव जो द्वितीय रहते हैं वो अपने सोने की एक मूर्ति बनाते हैं, गले में सोने की एक जंजीर डालते हैं, और आत्मसमर्पण के लिए किसके समक्ष भेंट करते हैं? तो मलिक काफूर के समक्ष भेंट करते हैं। ठीक है, इसके उपरांत, इसके अलावा और क्या कह दिया? तो इसके अलावा आप ध्यान रखना कि इसी समय प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा कोहिनूर हीरा भी किसको दिया जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। और इसके अलावा तो 700 घोड़े और 100 हाथी भी क्या किए जाते हैं? मलिक काफूर को आत्मसमर्पण के तहत भेंट किए जाते हैं। क्लियर है, आत्मसमर्पण कर दिए। अब इसके बाद होता क्या है? 1320 में खिलजी वंश का पतन हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का शासन आ जाता है। तुगलक वंश के इस शासन के समय में, जैसे ही तुगलक वंश का शासन आता है और ग्यासुद्दीन तुगलक शासन करते रहते हैं, उस समय 1321 में एक बार फिर क्या होता है? वारंगल पर आक्रमण होता है, काकतीय वंश पर आक्रमण होता है। काकतीय वंश पर इस समय आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनेंगे। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, कब शासक बनेंगे? तो ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद शासक बनेंगे। इस युद्ध में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो रहते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर देते हैं, या ग्यासुद्दीन तुगलक को क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। ठीक है, इसके उपरांत 1323 में पुनः आक्रमण होता है, और ये जो आक्रमण होता है, इस युद्ध में जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय रहते हैं वो क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के एक भाई रहते हैं जिनका नाम रहता है क्या? अन्नमदेव। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के भाई का नाम क्या? अन्नमदेव। और इनकी एक बहन रहती है जिनका नाम रहता है रैला देवी। अन्नमदेव और क्या? तो रैला देवी। अन्नमदेव और कौन? रैला देवी। ये क्या करते हैं? जो अन्नमदेव रहते हैं, देखते हैं यहां पर क्या हो चुके हैं, युद्ध में पराजय हो चुकी है, और अब इस क्षेत्र में मेरे लिए क्या नहीं है? कुछ भी चीज नहीं बचा है यहां पर, अब हमारा जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। तब ये वारंगल क्षेत्र से निकलकर कहां पहुंचते हैं? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, मतलब आज वर्तमान का बस्तर संभाग या उस समय का चक्रकोट या महाकांतर में पहुंचते हैं। ठीक, अब जब महाकांतर में पहुंचते हैं, वहां पर आते हैं, कुछ सेना अपने साथ रखे रहते हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत सेना बची रहती है उसके साथ कहां पहुंच रहे हैं ये? तो महाकांतर या बस्तर पहुंच रहे हैं। इस समय अब हमने कल देखा था कि बस्तर में किस वंश का शासन? तो बस्तर में छिंदक नाग वंश का शासन। छिंदक नाग वंश के किस शासक का शासन था? तो छिंदक नाग वंश के शासक हरिश्चंद्र का शासन था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हरिश्चंद्र की एक पुत्री थी क्या? तो चमेली देवी। अब दोनों को आप क्या करें? कनेक्ट करना है यहां पे। ठीक है, छिंदक नागवंश के अंतर्गत शासक कौन? तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की पुत्री कौन? तो चमेली देवी।
चमेली देवी पर क्या होते हैं, एक दिन ऐसे ही हो सकता है घूमते फिरते गए होंगे कहीं पर मार्केट में, है ना, कहीं बाजार पर घूम रहे हो इधर उधर, तो जो अन्नम देव रहते हैं किसको देखते हैं, चमेली देवी को देखते हैं। अब चमेली देवी रहती है बहुत सुंदर, ठीक है, तो उनकी सुंदरता से क्या हो जाते हैं जो अन्नम देव है बोलते हैं प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, उन पर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा जाता है, प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। फिर क्या होता है, दोनों के मध्य युद्ध, किनके मध्य, तो अन्नम देव और हरिश्चंद्र, युद्ध में अन्नम देव विजयी होते हैं, ठीक है, हरिश्चंद्र वीरगति को प्राप्त कर लिए, साथ ही कौन, तो चमेली देवी, चमेली देवी भी युद्ध में आती है और युद्ध में क्या होती है, वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाती है, ऐसा मिलता है। कहीं कहीं सोर्सेस में ये भी मिलता है कि चमेली देवी अंततः अन्नम देव से शादी कर लेती है, ठीक। अब कौन सी बात में कितनी सच्चाई, इसको जानना हमारा काम नहीं, ठीक है, बात खत्म, हो गया युद्ध, युद्ध के बाद अब 1324 में क्या हो जाता है, अन्नम देव का शासन शुरू हो जाता है, या अन्नम देव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में या बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। इसलिए अन्नम देव को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काकतीय वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, कहां पे, तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है यहां तक, स्टोरियां आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से बताएं आप, स्टोरी समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब जब बस्तर के अंतर्गत काकतीय वंश की स्थापना हो जाती है, तब अब होता क्या है, सबसे पहले ये जो काकतीय वंश है आपका, काकतीय वंश, काकतीय वंश का आपको समय पूछेगा, समय क्या था, तो आप बताएंगे 1324 से 1947 तक, ठीक है, कब तक, तो 1324 से 1947 तक का जो समय है वो किसका रहता है, तो काकतीय वंश का समय रहता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन, इसके संस्थापक है कौन, तो अन्नम देव, संस्थापक कौन है, अन्नम देव। इनकी प्रथम राजधानी थी मंदोता, ठीक है, मतलब आने वाले समय में और भी राजधानियां बनेंगी, लेकिन प्रथम राजधानी क्या है, तो प्रथम राजधानी रहती है इनकी मंदोता, ठीक है, क्या रहता है, मंदोता रहता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके स्वरूप पर चर्चा कर लूं कि जो काकतीय वंश है वो छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे शासन किया, ठीक है, तो इस वंश का जो शासन का स्वरूप है, ठीक, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्र काकतीय वंश, स्वतंत्र काकतीय वंश, इसके अंतर्गत जो स्वतंत्र काकतीय वंश है इनका समय है 1324 से 1778 तक, ठीक है, कब तक, तो 1324 से 1778 तक का जो समय है वो किसका समय रहता है, तो वो स्वतंत्र काकतीय वंश का समय रहता है, ठीक है। इस स्वतंत्र काकतीय वंश के अंतर्गत प्रथम शासक कौन होंगे, तो इस स्वतंत्र काकतीय वंश के प्रथम शासक है कौन, अन्नम देव, प्रथम शासक कौन, तो अन्नम देव इस स्वतंत्र काकतीय वंश के प्रथम शासक थे, ठीक है, अन्नम देव क्या थे, इस स्वतंत्र काकतीय वंश के प्रथम शासक थे, समझ में आ गया। स्वतंत्र काकतीय वंश के अंतर्गत मैं बोलूं आपको कि अंतिम शासक कौन थे, तब आप बताएंगे कि इस स्वतंत्र काकतीय वंश के अंतिम शासक थे अजमेर सिंह, ठीक है, कौन थे, तो इसके शासक थे कौन, अजमेर सिंह, क्लियर है। इसके बाद जो काकतीय वंश है वो मराठों के अधीन शासन करते हैं, किसके अधीन शासन करते हैं, तो मराठों के अधीन, मराठों के अधीन इनके शासन का समय है 1778 से 1854 तक, ठीक है, कब तक, 1778 से 1854 तक का जो समय है उसमें जो काकतीय वंश है वो किसके अधीन शासन करते हैं, तो मराठों के अधीन शासन करते हैं, क्लियर है यहां तक, चीजें समझ में आ गई।
अब इसमें देख लेते हैं कि इसके अधीन प्रथम और अंतिम शासक कौन थे। तो मराठों के अधीन प्रथम शासक, ठीक है, किसके अधीन? मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक थे दरिया देव। ठीक है, कौन थे? तो दरिया देव मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक। इसके अलावा अंतिम शासक अगर आपको पूछे कि मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन थे, तो मराठों के अधीन अंतिम शासक थे भैरम देव। ठीक है, कौन थे? तो अंतिम शासक थे भैरम देव। ठीक, फिर जो काकतीय वंश है वो अंग्रेजों के अधीन शासन करते हैं। किसके अधीन शासन करते हैं? तो अंग्रेजों के अधीन। अंग्रेजों के अधीन काकतीय वंश के शासन का समय है 1854 से 1947 तक। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता तक जब तक अंग्रेजों का यहां शासन था तब तक काकतीय वंश फिर क्या करते हैं 1854 से 1947 तक के समय में किस पर शासन करते हैं? तो काकतियों के ऊपर शासन करते हैं। और अंग्रेजों के अधीन काकतियों के जो प्रथम शासक थे वो यही भैरम देव थे। ठीक है, कौन थे? भैरम देव थे, भैरम देव। और अंतिम है प्रवीर चंद भंज देव। ठीक है, कौन है? तो प्रवीर चंद भंज देव, प्रवीर चंद भंज देव। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? एक बार देखें आप इसको और इसको नोट डाउन करें, जल्दी देखें, फिर मैं आगे अन्नम राज के विषय में आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। लगा लिए आप? देख लिए इसको, नोट डाउन कर लिए? अब चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। किसके विषय में? तो अन्नम देव के विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उनके संबंध में जो क्वेश्चन आपने देखा था उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके संबंध में पढ़ते हैं हम? तो अन्नम देव के विषय में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अन्नम देव के बारे में सबसे पहले क्या जानना है? तो छत्तीसगढ़ में क्या है ये? छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक हैं। ठीक, अब कैसे स्थापना किया ये तो मैं पूरा स्टोरी आपको बता चुका हूं, है ना, कि आते हैं चमेली देवी को देखते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो पाता है, युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध में हरिश्चंद्र की हत्या, चमेली देवी की हत्या, और बस्तर में क्या? काकतीय वंश की स्थापना। क्लियर है? लिख लेंगे आप आराम से? लिख ही लोगे यार, इतना तो लिख ही सकते हो आराम से। ठीक है, फिर स्थापना हो गया तो अब यहां पर क्या होता है, इनका राज तिलक या इनका राज्याभिषेक। तो इनका जो राज तिलक है, इनका राज तिलक वो होता है बड़े डोंगर में। ठीक है, कहां पर होता है? तो बड़े डोंगर में। बड़े डोंगर में क्या होता है? अन्नम देव का राज तिलक होता है। ठीक है, राज्य अभिषेक होता है। बड़े डोंगर मतलब क्या? तो आज वर्तमान का कोंडा गांव। ठीक है, वर्तमान का आपका क्या? कोंडा गांव। ये क्या कहलाता है? बड़े डोंगर कहलाता है। और छोटे डोंगर आपको बोले तो आप बताएंगे नारायणपुर। किसको बोलेंगे? नारायणपुर को बोलेंगे छोटे डोंगर। ठीक है, इस बड़े डोंगर में इनका क्या हो रहा है? तो राज्याभिषेक हो रहा है, राज तिलक हो रहा है। और राज तिलक होने के समय या इस समय इनका राज तिलक किया जा रहा था, उस समय जिस पत्थर पर ये बैठे थे, जिस शिला खंड पर ये बैठे थे, ठीक है, राज तिलक के समय जिस शिला खंड पर, ठीक है, जिस पत्थर पर, जिस शिला खंड पर ये बैठे थे, वह शिला खंड गादी पखना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वह शिला खंड गादी पखना कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? तो वह शिला खंड गादी पखना कहलाता है, गादी पखना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा जो अन्नम देव है, इनकी जानकारी हमको मिलती है दंतेवाड़ा अभिलेख में। ठीक है, किसमें मिलता है? तो दंतेवाड़ा अभिलेख में हमको क्या मिलती है? तो अन्नम देव की जानकारी मिलती है हमको किसमें? दंतेवाड़ा अभिलेख में। इस दंतेवाड़ा अभिलेख में ही अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अन्नम देव को अन्नम राज
कहा गया है। अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। क्लियर है? थोड़ा सा इनके निर्माण कार्य को देख लेते हैं हम, कि जो अन्नम देव है इनके द्वारा क्या निर्माण कार्य किया गया। तो हमको पता है इनके द्वारा, एक तो आप सभी को पता है कि क्या कराया गया है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, क्या कराया गया है, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण। कब तो 1324 में। 1324 में कौन सी दो नदी फिर से याद रखनी है आपको, तो एक तो संखिनी और दूसरा क्या, डंकिनी। संखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर किसका किराया निर्माण इन्होंने, दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा इन्होंने विजयपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, कौन से नगर, तो विजयपुर नगर की स्थापना इन्होंने की है, विजयपुर नगर की स्थापना। ठीक, इसी विजयपुर को आज वर्तमान में बीजापुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजापुर कहा जाता है। किसको, तो इस विजयपुर को आज वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो बीजापुर कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा ये जो अन्नम देव थे इन्होंने भोपाल पटनम पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, किस पर विजय प्राप्त किया था, तो भोपाल पटनम पर विजय प्राप्त इन्होंने किया था, भोपाल पटनम पर विजय प्राप्त इन्होंने किया था। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक अन्नम देव के बारे में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी आपको क्या करना है, अन्नम देव के संबंध में याद रखनी है। ठीक, अब देखिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन्नम देव के संबंध में असत्य कथन की हमको पहचान करनी है। ठीक है, दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। अभी मैंने क्लियर किया इस पॉइंट को कि हाँ, दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नम देव को क्या कहा गया है, तो अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। क्लियर है यहां तक? दूसरा, इनका राज तिलक बड़े डोंगर में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है, बड़े डोंगर में हुआ इनका राज तिलक। बड़े डोंगर मतलब क्या, तो कोंडा गांव में इनका क्या हुआ है, राज तिलक हुआ है। और जिस तिलक खंड पर हुआ राज तिलक, जिस शिलक खंड पर हुआ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो उसको गादी पखना बोलते हैं। ये मैंने अभी आप लोग को बताया। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिस शिलक खंड पर इनका राज्याभिषेक हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम गादी पखना बोलते हैं। इन्होंने विजयपुर नगर की स्थापना की, यह कथन भी बिल्कुल सही है। इन्होंने विजयपुर नगर की क्या की, स्थापना की, जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जान रहे हैं, तो बीजापुर के नाम से जान रहे हैं। और चौथा बोल रहा है, अन्नम देव ने 50 वर्ष शासन किया, ये कथन गलत है। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर है, असत्य कथन छांटने हमको। तो अन्नम देव का जो शासन का जो समय है वो 1324 से 1369 तक है। ठीक है, मतलब इन्होंने 45 वर्ष क्या किया था, शासन किया था। कितने वर्ष शासन किया था, 45 वर्ष शासन किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, पुरुषोत्तम देव ने किस कलचुरी शासक पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, पुरुषोत्तम देव ने किस कलचुरी शासक पर आक्रमण किया था, यह आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आप अपना आंसर दें कि पुरुषोत्तम देव ने किस कलचुरी शासक पर आक्रमण किया था, ब्रह्मदेव पर, रामचंद्र देव पर, रत्न देव तृतीय पर, कि इनमें से कोई नहीं, किसी पर भी आक्रमण नहीं किया था, कि इन तीनों में से किसी एक पर आक्रमण किया था। जल्दी आप आंसर दें, लगा लिया आंसर आपने, चलिए देखते हैं पुरुषोत्तम देव ने किस कलचुरी शासक पर आक्रमण किया था। तो पुरुषोत्तम जो पुरुषोत्तम देव थे उन्होंने रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव पर बूढ़ा तालाब के समीप क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, किस पर, तो रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव पर बूढ़ा तालाब के समीप क्या किया था, आक्रमण किया था, परंतु असफल हुए थे। ठीक है, अब ये जो पुरुषोत्तम देव है इनके संबंध में आप थोड़ा सा जान लें कि जो पुरुषोत्तम देव है इन्होंने जो काकतियों की राजधानी है, ठीक है, काकतियों की जो राजधानी है इसको मंदोता से, ठीक है, कहां से, मंदोता से
बस्तर स्थानांतरित किया। ठीक है, कहां स्थानांतरित किया? तो इन्होंने राजधानी मंधोता से बस्तर स्थानांतरित किया। अब पुरुषोत्तम देव के बारे में आपको महत्वपूर्ण क्या जानना है? तो पुरुषोत्तम देव जो थे, इन्होंने अपने शासन काल में, ठीक है, पेट के बल सरकते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। ठीक है, किसकी यात्रा की थी? जगन्नाथपुरी की यात्रा की। और जगन्नाथपुरी के अंतर्गत जो पुरी मंदिर है हमारा, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, उसके दर्शन किए। दर्शन के उपरांत कहा जाता है कि दर्शन के समय जो पुरुषोत्तम देव है, उन्होंने अपने तरफ से स्वर्ण मुद्राएं एवं आभूषण क्या किए थे, वहां पर मंदिर में भेंट किए थे। ठीक, फिर जब वो वहां से वापस आते रहते हैं, तो जो पुरी के राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब पुरुषोत्तम देव पहुंचते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, और वापस लौटते समय पुरी के राजा क्या करते हैं, पुरुषोत्तम देव जी को 16 पहियों वाला रथ देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? 16 पहियों वाला रथ देते हैं। किसको देते हैं? तो पुरुषोत्तम देव को देते हैं। कौन देता है? तो पुरी के राजा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रथ को भेंट करने के उपरांत जो पुरी के राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, इनको रथपति की उपाधि भी देते हैं। किनको रथपति की उपाधि देते हैं? तो पुरुषोत्तम देव जी को रथपति की उपाधि भी देते हैं। अब इस 16 पहियों वाले रथ के साथ जब, ठीक है, 16 पहियों वाला रथ और रथ के अलावा, जैसे कि ये गए हैं मंदिर में भेंट किए, किससे? तो भगवान जगन्नाथ जी से, उनके दर्शन किए, दर्शन करने के उपरांत वापस लौटे, तो जो पुरी के राजा रहते हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, एक रथ दे रहे हैं, और रथ में भगवान जगन्नाथ के कुछ विग्रह भी हैं। ठीक है, तो इस रथ और भगवान जगन्नाथ के विग्रहों के साथ जब पुरुषोत्तम देव कहां पहुंचते हैं, पुनः बस्तर पहुंचते हैं, तब बकावंड विकास खंड, मतलब बस्तर के 360 घरों के जो आरण्यक ब्राह्मण थे, वो क्या करते हैं, महाराज का, मतलब पुरुषोत्तम देव जी का स्वागत करते हैं, और जो भगवान जगन्नाथ के विग्रह थे उनको पीठा भोग क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। ठीक है, भोग अर्पित करते हैं, पीठा भोग, इसलिए जिस स्थान पर भगवान जगन्नाथ को बस्तर में पीठा भोग अर्पित किया था, वह स्थान आज वर्तमान में पीठापुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो पीठापुर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही भगवान जगन्नाथ के विग्रहों को उन 16 पहियों वाले रथ में लेकर कहां पहुंच रहे हैं, पुरुषोत्तम देव बस्तर पहुंचते हैं, तो उसी समय से ही क्या होता है, गोंचा पर्व या रथ यात्रा की शुरुआत होती है। कहां पर? बस्तर में। इस फैक्ट को क्या करें, आप ध्यान में रखें। अगला क्या जानें, पुरुषोत्तम देव के द्वारा जो राजधानी थी काकतियों की, जो अन्नम देव के समय मंधोता थी, उसको स्थानांतरित कर कहां ला लिया गया, बस्तर ला लिया गया। ठीक है, पुरुषोत्तम देव ने अपने शासन काल में क्या कर दिया, तो रथ यात्रा गोंचा पर्व की शुरुआत कर दी। इसके अलावा आक्रमण क्या किया, तो कलचुरी शासक ब्रह्मदेव पर। कहां पर? तो रायपुर के अंतर्गत बूढ़ा तालाब के समीप, परंतु क्या हुए, पराजित हुए, और वहां से उनको असफल होकर वापस लौटना पड़ा था। क्लियर है, आंसर क्या हो गया आपका, ब्रह्मदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार पुरुषोत्तम देव ने अपने शासन काल में प्रारंभ नहीं किया, कौन सा जो त्यौहार है उसको पुरुषोत्तम देव ने अपने शासन काल में प्रारंभ नहीं किया था? अमुंस तिहार, गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा और रतौना पर्व, इनमें से कौन सा जो त्यौहार है उसको पुरुषोत्तम देव ने अपने शासन काल में शुरू नहीं किया था? जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं, अमुंस तिहार, गोंचा पर्व की बस्तर दशहरा की रतौना पर्व। तो इसमें से ये जो रतौना पर्व आपको दिख रहा है, इसकी शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने नहीं की थी। ठीक है, किसने नहीं की थी, तो पुरुषोत्तम देव ने नहीं की थी। इसके अलावा अमुंस तिहार, गोंचा पर्व अभी बताया, जैसे ही रथ को लेकर आते हैं तो रथ यात्रा या गोंचा पर्व की शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर ये बस्तर दशहरा की शुरुआत उनके द्वारा की गई है, अमुंस तिहार की शुरुआत की गई है, ये जनजातियों का हरेली त्यौहार है मान सकते हो आप, और रतौना पर्व जब हम लोग अभी आर्ट एंड कल्चर देखेंगे आगे, तब देखेंगे कि बैगा जनजाति का एक प्रमुख पर्व है जिसमें जो, और ये जो पर्व है ये नागा बाबा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, नागा बाबा से संबंधित है। आर्ट एंड कल्चर में इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बस्तर दशहरा के बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा मैं, कि क्या क्या बस्तर दशहरा के अंतर्गत पर्व है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, प्रथम दिवस में क्या होता है, अंतिम दिवस में क्या होता है, कब से शुरू हुआ, सबसे जो इसका समय है ये कितने समय के लिए होता है, ठीक है, मुख्य रस्म कितने समय में होते हैं, मुख्य रस्म कितने हैं, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम, आर्ट एंड कल्चर में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्लियर है, अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
किस काकतीय शासक के समय गोलकुंडा के शासक ने बस्तर पर आक्रमण किया था? किस काकतीय शासक के समय गोलकुंडा के शासक ने बस्तर पर आक्रमण किया था? भैरव देव, नरसिंह देव, प्रताप राज देव, पुरुषोत्तम देव, इनमें से किस शासक के समय जो गोलकुंडा के शासक थे उन्होंने बस्तर पर आक्रमण किया था? जल्दी आप अपना आंसर लगाएं इसको, फिर मैं पढ़ाता हूं इसके बारे में। लगा लिया आंसर आपने? तो पूछ क्या रहा है आपको, किस काकतीय शासक के समय गोलकुंडा के शासक ने बस्तर पर आक्रमण किया? ठीक है, तो गोलकुंडा के शासक रहते हैं कौन? तो कुली कुतुब शाह। ठीक है, शासक कौन रहते हैं? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के शासक कौन? तो कुली कुतुब शाह। ये कुली कुतुब शाह जो रहते हैं वो प्रताप राज देव के समय क्या करते हैं? बस्तर पर आक्रमण करते हैं। कौन? कुली कुतुब शाह। कहां आक्रमण कर दिए? बस्तर पर आक्रमण कर दिए। पर बस्तर पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्यों? क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति पहली बार बस्तर जा रहा है वो बस्तर की भौगोलिक परिस्थिति को नहीं समझ सकता। ठीक है, इसलिए बस्तर पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। ठीक है, अब आ तो गया ये कौन, कुली कुतुब शाह। शासक कौन है? प्रताप राजदेव। प्रताप राजदेव इतना कूटते हैं इसको, इतना कूटते हैं कि इसको, कुली कुतुब शाह को, और कूटते कूटते इसको बस्तर क्षेत्र से पुनः वापस खदेड़ देते हैं। कहां? तो गोलकुंडा की ओर। बेटा बोलते हैं दोबारा इधर नहीं आना, समझ गए ना? ठीक, उधर ही रहो तुम, बस्तर क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किसने? प्रताप राज देव ने किसको पराजित कर दिया? कुली कुतुब शाह को पराजित कर दिया। ठीक, इसके अलावा ये जो प्रताप राज देव है इन्होंने डोंगर क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? डोंगर क्षेत्र। डोंगर क्षेत्र के अंतर्गत बड़े डोंगर, बड़े डोंगर और छोटे डोंगर, बड़े डोंगर और छोटे डोंगर के 18 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। 18 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। बड़े डोंगर के 18 गढ़ और छोटे डोंगर के 18 गढ़ों पर क्या किया था? इन्होंने विजय प्राप्त किया था। किसने? तो प्रताप राज देव ने। बड़े डोंगर क्या? तो कुंडा गांव। छोटे डोंगर क्या? तो नारायणपुर। इन दोनों के अंतर्गत 18 गढ़ थे और इन 18 गढ़ों पर किसने विजय प्राप्त किया? तो प्रताप राज देव ने विजय प्राप्त किया है। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बस्तर दशहरे में 16 पहियों वाले रथ के स्थान पर 4 एवं 8 पहिए वाले रथ का प्रचलन किसने कराया? बस्तर दशहरे में 16 पहियों वाले रथ के स्थान पर 4 एवं 8 पहिए वाले रथ का प्रचलन किसने कराया? प्रताप राज देव ने, वीर सिंह देव ने, हरपाल देव ने कि राजपाल देव ने? ठीक है, किसने बस्तर दशहरे में 16 पहिए वाले रथ के स्थान पर 4 एवं 8 पहिए वाले रथ का प्रचलन कराया? जल्दी बताएं आप अपना आंसर। लगा लिया आंसर आपने? तो इसका आंसर है वीर सिंह देव। ठीक है, कौन? वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने बस्तर दशहरे में 16 पहिए वाले रथ के स्थान पर 16 पहिए वाले रथ के स्थान पर 16 पहिए वाले रथ के स्थान पर 4 पहिए वाला, 4 पहिए वाला फूल रथ एवं 8 पहिए वाला, 8 पहिए वाला विजय रथ का प्रचलन प्रारंभ कराया था। 4 पहिए वाला क्या? तो फूल रथ, और 8 पहिए वाला क्या? विजय रथ का प्रचलन प्रारंभ कराया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो बस्तर से राजपुर स्थानांतरित की थी। ठीक है, क्या की थी? तो बस्तर से राजपुर स्थानांतरित की थी और राजपुर में एक किला का निर्माण कराया था जिसको राजपुर का किला कहा जाता है। ठीक है, क्या कराया था इन्होंने? एक तो अपनी राजधानी बस्तर से राजपुर स्थानांतरित की और राजपुर स्थानांतरित करने के उपरांत राजपुर में एक किले का निर्माण कराया था। और सिर्फ इन्हीं शासक के समय तक राजधानी थी क्या? राजपुर, जिसके उपरांत पुनः राजधानी बस्तर स्थानांतरित हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पंडित भगवान मिश्र भगवान हो गया, ये सिर्फ भगवान है ना, इसको आप मिटा दीजिएगा। पंडित भगवान मिश्र किस काकतीय राजा के राजगुरु थे? ठीक है, पंडित भगवान मिश्र किस काकतीय राजा के राजगुरु थे? दलपत देव, राजपाल देव, दिक्पाल देव, जयसिंह देव, इनमें से किसके राज कवि रहते हैं कौन, या राजगुरु रहते हैं कौन? तो भगवान मिश्र। जल्दी आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? क्या लगाया आंसर? दलपत देव लगाया है कि राजपाल देव लगाया है कि दिक्पाल देव कि जयसिंह देव? ठीक है, तो जो पंडित भगवान मिश्र हैं, ये इन्हीं को मैथिली पंडित भगवान मिश्र भी कहा जाता है, और ये राजपाल देव के क्या रहते हैं? राजगुरु रहते हैं। किसके राजगुरु रहते हैं? तो राजपाल देव के राजगुरु रहते हैं। और ये जो राजपाल देव हैं, ठीक है, कौन आपके? तो राजपाल देव। इस राजपाल देव की जानकारी, राजपाल देव की जो जानकारी है, ये हमको एक तो मिलती है बस्तर पुराण में, ठीक है, किसमें मिल रहा है हमको? तो बस्तर पुराण में। और इस बस्तर पुराण में क्या कहा गया है? ये जो राजपाल देव है इनको रक्षपाल देव कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है? रक्षपाल देव कहा गया है। राजपाल को क्या कहा गया है? तो रक्षपाल देव कहा गया है। इसके अलावा जो राजपाल देव है इनकी जानकारी महंत घासीदास संग्रहालय, क्या आपका? महंत घासीदास संग्रहालय में रखा है क्या? एक ताम्र पत्र। क्या रखा है? एक ताम्र पत्र। और इस ताम्र पत्र में राजपाल देव की जो उपाधि है वो प्रौण प्रताप चक्रवर्ती की है। ठीक है, क्या है? प्रौण प्रताप चक्रवर्ती। ठीक है, क्या? प्रौण प्रताप चक्रवर्ती। क्या है उपाधि इनकी? तो प्रौण प्रताप चक्रवर्ती इनकी उपाधि है। किससे पता चल रहा है? तो महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखे हुए एक ताम्र पत्र में इनकी उपाधि क्या मिलती है हमको? तो प्रौण प्रताप चक्रवर्ती इनकी उपाधि हमको प्राप्त होती है। ठीक, इसके अलावा ये जो राजपाल देव हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये माणिकेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक है, हमने पढ़ा था माणिकेश्वरी देवी के उपासक। माणिकेश्वरी देवी के क्या थे? ये उपासक थे। ठीक है, कौन सा जो छिंदक नागवंश का शासक था वो माणिक देवी का उपासक था? जल्दी से आप आंसर दें, कौन सा छिंदक नागवंश का शासक माणिक देवी का उपासक था? जल्दी क्या करें, आप आंसर दें इसको। ठीक है, इसके बाद ये जो राजपाल देव है इसकी पत्नी एक है बघेलिन रानी, बघेलिन रानी, और बघेलिन रानी से इनको पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम रहता है दखन सिंह। ठीक है, क्या नाम रहता है? दखन सिंह। किससे पुत्र? तो बघेलिन रानी से। दूसरा चंदेलिन रानी, चंदेलिन रानी, चंदेलिन रानी से पुत्र इनको प्राप्त होता है दलपत देव। ठीक है, कौन सा पुत्र? तो दलपत देव। ठीक है, इस दो को याद रखना। इसके उपरांत जो राजपाल देव है इनकी मृत्यु होती है 1721 में। ठीक है, कब होती है? 1721 में। अब इनकी मृत्यु का वर्ष जानना क्यों जरूरी हमको? क्योंकि ये जो चंदेलिन रानी है, ठीक है, इसका भाई, इसका भाई, भाई कौन? तो चंदेल मामा। इसका भाई कौन? चंदेल मामा, है ना, इसी नाम से आपको जानना है, चंदेल मामा के नाम से। ये जो चंदेल मामा रहते हैं ये राजपाल देव की जब मृत्यु होती है कब? 1721 में। तो 1721 में कौन? तो आपके चंदेल मामा क्या कर लेते हैं? काकती वंश की सत्ता को हथिया लेते हैं, काकती वंश की सत्ता को कब्जा लेते हैं। ठीक है, 1721 से 31 तक जो चंदेल मामा रहते हैं वो इस काकती वंश की सत्ता पर या काकती वंश के क्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन भी करते हैं। अब 1731 में क्या होता है? एक 1731 के अंतर्गत जो ये कौन है? चंदेल मामा, ये रक्षाबंधन का क्या करते हैं? एक आयोजन करते हैं, रक्षाबंधन पर्व का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में कौन पहुंचते हैं? तो ये दलपत देव पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनकी बहन कौन है? तो
चंदेलिन रानी है, किसके बहन, तो चंदेल मामा के, ठीक है। राखी के लिए क्या पहुंच रही है, चंदेलिन पहुंच रही है, जिसके साथ दलपत देव भी पहुंच रहे हैं। और इस राखी के नेंग के बहाने जो दलपत देव रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने मामा चंदेल की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और अपने मामा चंदेल की हत्या करके 1731 में क्या करते हैं वो, तो काकतीय वंश की सत्ता प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसकी हत्या करके, तो अपने मामा चंदेल की हत्या करके। अब ऐसे मामा की हत्या करना तो बनता है ना, भांचा भोचरे का क्या करेगा, है ना, खाएगा, है ना, भांचा का क्या करेगा, उसका साम्राज्य हड़पेगा, उसके हक का खाएगा, तो मरेगा ही ये चंदेल मामा। तो 1731 में क्या कर दिया गया, दलपत देव के द्वारा इस चंदेल मामा को निपटा दिया गया। हो गया मामा, बहुत हो गया इज्जत विज्जत, अब चलो भैया, ठीक है, ऐसे मामा की जरूरत नहीं है हमको। कौन बोलता है, दलपत देव बोलता है, और अपने चंदेल मामा को क्या करता है, ये निपटा देता है, क्लियर है। फिर 1731 से किसका शासन शुरू होता है, तो दलपत देव का शासन शुरू होता है। दलपत देव अगले शासक बनते हैं राजपाल देव के उपरांत, क्लियर है, समझ में आ गया। चले हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस शासक के समय बस्तर में वस्तु विनिमय व्यापार प्रारंभ हुआ, किस शासक के समय जो है वो बस्तर में वस्तु विनिमय व्यापार प्रारंभ हुआ, अजमेर सिंह के समय, दरिया देव के समय, दलपत देव के समय, कि इनमें से कोई नहीं, किसके समय क्या हुआ है, तो वस्तु विनिमय व्यापार शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आंसर आपने कि नहीं लगाया, इसका आंसर होगा कि किस शासक के समय बस्तर में वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ, तो दलपत देव के समय बस्तर में क्या होता है, वस्तु विनिमय जो व्यापार है वो प्रारंभ होता है। अब होता क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। होता ऐसा है कि दलपत देव क्या हो रहे हैं, शासक बन रहे हैं, कौन, दलपत देव कब बन रहे हैं, तो 1731 में अपने मामा चंदेल की हत्या कर, अपना साम्राज्य प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपना साम्राज्य प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, तो दलपत देव ने 1731 में किसको, चंदेल मामा की हत्या करके अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त किया, क्लियर है यहां तक। अब होता यह है, इस समय 1731 और इसके बाद एक डेट याद रखना है आपको, 1770, ठीक है, कौन सा डेट, 1770। अब 1770 के अंतर्गत दक्षिण कोसल में किसका शासन आ गया है, तो मराठों का शासन आ गया है। मराठों के अंतर्गत शासक कौन है, तो बिंबाजी भोसले हैं। अब मैंने बताया था, जब बिंबाजी भोसले में पढ़ा रहा था आपको, तब मैं ये चीज क्लियर किया था कि जो बिंबाजी भोसले थे वो क्या किए थे, नागपुर से कुछ व्यक्तियों को, कुछ अनुभवी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर आए थे, कहां, छत्तीसगढ़, रतनपुर। क्यों, तो प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपने के लिए, प्रशासन के कार्यों को अच्छे से चलाने के लिए जो बिंबाजी भोसले थे वो कहां से, तो नागपुर से कुछ व्यक्तियों को लेकर आए थे। उनमें एक व्यक्ति थे नीलू पंडित, ठीक है, कौन, नीलू पंडित या नीलू पंत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये नीलू पंडित को क्या करते हैं, 1770 में बस्तर पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं। कौन आदेश देते हैं, बिंबाजी भोसले आदेश देते हैं। नीलू पंडित आते हैं कहां पर आक्रमण करने के लिए, बस्तर पर आक्रमण करने। नीलू पंडित ने क्या किया, बस्तर पर आक्रमण, बस्तर पर आक्रमण किया, परंतु ये जो नीलू पंडित है ये क्या होता है, पराजित होता है, ठीक है, क्या होता है, पराजित होता है। कौन पराजित होता है, तो नीलू पंडित पराजित होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि बस्तर पर एकाएक आकर विजय प्राप्त कर लेना क्या है, बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि बस्तर की जो भौगोलिक अवस्था है उसको समझ पाना किसी भी नए के लिए क्या नहीं था, आसान नहीं था। और कोई भी नया डायरेक्टली आकर बस्तर में क्या नहीं कर सकता था, अपना विजय अभियान नहीं चला सकता था, ठीक है। और जो भी वहां पर निवास कर रहे हैं, जो भी वहां पर शासक है, उनको इस भौगोलिक स्थिति का क्या होता था, बहुत ही फायदा होता था। इसके कारण जो दलपत देव थे वो क्या कर दिए, नीलू पंडित को पराजित कर दिए। अब जब नीलू पंडित पराजित हो जाते हैं तब उनको ये बात समझ में आती, ठीक है, पराजित होने के बाद वो यहां से नीचे जयपुर के जो शासक रहते हैं उनके पास चले जाते हैं, जो कि उनके मित्र रहते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं, बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि बस्तर पर भैया ऐसे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तब इसी समय ही क्या किया जाता है,
मराठों के द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार शुरू किया जाता है। वस्तु विनिमय व्यापार शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा। अब ये जो वस्तु विनिमय व्यापार था, इसमें मराठे जो थे वो गुड़ एवं नमक का व्यापार करते थे। ठीक है, और किसके साथ करते थे? तो बंजारों के साथ। बंजारे जो थे वो क्या करते थे? वन्य उत्पादों के बदले, ठीक है, नमक एवं गुड़ लेते थे। किससे? तो मराठों से। फिर वो नमक एवं गुड़ को कहां बेचते थे? वो तो यहां के आदिवासी जो छे हैं, है ना, उनको ले जाकर वो बेचते थे। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था? बंजारों को बहुत लाभ हो रहा था, साथ ही मराठों को क्या फायदा हो रहा था? तो मराठों को यह फायदा हो रहा था कि बंजारों के द्वारा उनको बस्तर क्षेत्र की जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, है ना, जो भी रणनीतिक क्षेत्र थे उनकी जानकारी मिल रही थी। साथ ही बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी रास्ते थे उनकी उनको जानकारी प्राप्त हो रही थी। और धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे? बस्तर को समझने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को भी क्या किया जाए? मराठों के अधीन किया जा सके। क्लियर है? तो पराजित हो गया नीलू पंडित, लेकिन पराजित होने के उपरांत क्या शुरू हो गया? यहां पर वस्तु विनिमय व्यापार शुरू हो गया। ठीक है, अब दलपत देव को इस बात की भनक थी कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, फिर से या पुनः आक्रमण हो सकता है। और इस आक्रमण से बचने के लिए जो दलपत देव थे वो अपनी राजधानी, क्या, अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, कहां करते हैं? बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, किसको राजधानी बनाते हैं? तो जगदलपुर को राजधानी बनाते हैं, मतलब अपनी राजधानी थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर आक्रमण हो तो हमारे पास संभलने का थोड़ा मौका रहे। ठीक है, ऐसा सोच कर क्या कर लेते हैं ये? तो राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके उपरांत आपको जानना है कि जो दलपत देव है, इनके पुत्र बड़े पुत्र रहते हैं दरिया देव, और छोटे पुत्र रहते हैं अजमेर सिंह। और ये जो अजमेर सिंह रहते हैं, ये 1774 से 1778 तक डोंगर के अधिकारी रहते हैं। ठीक, साथ ही अजमेर सिंह मुख्य रानी के भी पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? मुख्य रानी के पुत्र थे। और दलपत देव के अगले उत्तराधिकारी भी रहते हैं, कौन? अजमेर सिंह। जब 1778 में दलपत देव की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो दरिया देव रहते हैं ये क्या करते हैं? अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं कि भैया तू छोटा है, राजा किसको बनना है? मेरे बनना है। लेकिन जो अजमेर सिंह रहते हैं वो अपनी जनता के बीच क्या रहते हैं? बहुत ही प्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोंगर के अधिकारी के रूप में कार्य करते रहते हैं, और वहां के जितने भी आदिवासी लोग थे, खासकर हलवा जनजाति के जो लोग थे, उनके लिए ये बहुत से कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो अजमेर सिंह कर रहे थे। एक कल्याणकारी राजा के रूप में देखते थे किसको? अजमेर सिंह को। कौन? तो वहां के आदिवासी। अब ये जो दरिया देव रहते हैं, जैसे ही दलपत देव की मृत्यु होती है, ये आक्रमण करते हैं। किस पर? अजमेर सिंह पर। अजमेर सिंह पर आक्रमण करते हैं, तो अजमेर सिंह जो रहते हैं वो हलवा आदिवासियों की सहायता से, सहयोग से दरिया देव को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। दरिया देव को पराजित करते हैं, तो दरिया देव जो रहते हैं वो फिर वो जयपुर नरेश के पास चले जाते हैं, जिनका नाम रहता है विक्रम देव, और उनसे सेना लेते हैं, सेना लेकर आते हैं, और सेना लेकर आकर पुनः आक्रमण करते हैं। पुनः जब वो आक्रमण करते हैं तो इस बार क्या होते हैं? अजमेर सिंह पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के उपरांत फिर वो क्या कर देते हैं? ठीक है, पराजित हो गए तो अब राजा कौन बन गए? तो दरिया देव राजा बन गए। दरिया देव जब राजा बनते हैं तो फिर से जो अजमेर सिंह रहते हैं वो उन्हीं हलवा आदिवासियों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, और हलवा आदिवासियों को एकत्रित करके क्या कर देते हैं? हलवा विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? हलवा विद्रोह कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं? हलवा विद्रोह करते हैं। मैंने 1778 में बोल दिया था क्या? दलपत देव की मृत्यु 1778 में नहीं, 1774 में क्या हो जाती है? तो दलपत देव की मृत्यु होती है। तो उसके उपरांत यही चीजें जो चल रही है,
विक्रम देव के सैनिकों की सहायता से क्या करते हैं, दरिया देव अजमेर सिंह को पराजित करते हैं। अब जब अजमेर सिंह को पराजित करते हैं कौन, तो अजमेर सिंह को पराजित करने के उपरांत दरिया देव क्या बन गए, शासक बन गए। दरिया देव जब शासक बनते हैं तो ये जो अजमेर सिंह रहते हैं वो किसके सहायता से, तो हलबा आदिवासियों के सहायता से फिर से विद्रोह कर देते हैं, जिसको आप देखेंगे 1774 से 78 तक में हलबा विद्रोह, जिसको छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, विद्रोह करते हैं और विद्रोह ऐसा रहता है कि दरिया देव को क्या करना पड़ता है, यहां से पुनः विस्थापन करना पड़ता है। पुनः भक्करो कहां जाते हैं, तो पुनः भक्करो पहुंचते हैं फिर से कहां, तो विक्रम देव के पास। इस बार जो विक्रम देव थे वो क्या करते हैं, उनको मराठों से मिलवाते हैं। मराठा कौन, तो बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले बोले वाह वाह, मेरे को तो चाहिए था यही भैया, है ना। क्यों, क्योंकि मराठों को कहां पर अपना साम्राज्य विस्तार करना है, दक्षिण में मतलब बस्तर में मतलब महाकांतन में अपना साम्राज्य विस्तार करना था। उनको क्या मिल गया, एक सहयोग मिल गया, एक रास्ता मिल गया। बिंबाजी बोलते हैं ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, सहायता करेंगे तेरा, कोई दिक्कत नहीं है, सहायता करेंगे हम, ठीक है, लेकिन सहायता के बदले हमको क्या मिलेगा, तो सहायता के बदले एक अब संधि होती है कि क्या किया जाएगा, कि जो कोटपाड़ परगना है, उस कोटपाड़ परगना को क्या करोगे तुम, तो उसको दोगे विक्रम देव को, जयपुर नरेश विक्रम देव को दोगे। इसके अलावा 59,000 टकोली प्रति वर्ष क्या करोगे तुम, मराठों को दोगे। कौन देगा, तो ये दरिया देव देगा। ठीक है, कौन देगा, तो ये दरिया देव क्या करेगा, 59,000 टकोली मराठों को देगा। ठीक है, ऐसी संधि होती है और इस संधि का नाम रहता है कोटपाड़ की संधि। कौन सी संधि, तो कोटपाड़ की संधि। ये संधि 6 अप्रैल 1778 को होती है। इसके उपरांत मराठा क्या करते हैं, सहयोग करते हैं इनको। किनको सहयोग करते हैं, दरिया देव को, और जयपुर नरेश विक्रम देव भी क्या कर रहे हैं, इनको सहयोग करते हैं। इसके उपरांत पहुंचते हैं यहां बस्तर क्षेत्र में और अजमेर सिंह को क्या कर देते हैं, अजमेर सिंह की हत्या कर देते हैं। और अजमेर सिंह की हत्या उपरांत कहा जाता है कि बड़ी बर्बरता पूर्वक जो हलबा आदिवासी थे उनका भी क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इस ये जो विद्रोह का जो दमन हो रहा था वो इतना बर्बरता पूर्ण तरीके से हो रहा था, इतने बर्बरता पूर्ण तरीके से हो रहा था कि जितने भी हलबा आदिवासी थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ एक हलबा आदिवासी यहां से बचकर बाहर निकलता है, ऐसी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसमें, तो हलबा विद्रोह में, साथ का क्या, तो कोटपाड़ की संधि। कब, तो 6 अप्रैल 1778। चूंकि ये जो अजमेर सिंह हैं ये क्या कर रहे हैं, यहां पर क्रांति किए थे किसके विरुद्ध, तो दरिया देव के विरुद्ध, इसलिए अजमेर सिंह को क्या कहा जाता है, तो क्रांति का मसीहा कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत क्रांति का मसीहा इनको कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा ये जो दरिया देव आपको नजर आ रहे हैं, दरिया देव को कहा जाता है कि दरिया देव ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो बस्तर की स्वतंत्रता है वो क्या कर दी थी, बेच दी थी। ठीक है, दिख रहा है, बस्तर की स्वतंत्रता बेच दी। और इसी के उपरांत 1778 से जो 1854 तक का समय है वो क्या होता है, जो काकतीय शासक रहते हैं वो मराठों के अधीन आकर शासन करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहां से क्या हो गया आपका, स्वतंत्र काकतीय वंश समाप्त। अब आगे जो आप पढ़ेंगे वो रहेगा क्या, तो आगे रहेगा आपका मराठों के अधीन काकतीय वंश। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भोपालपट्टनम संघर्ष के समय छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे, भोपालपट्टनम संघर्ष के समय छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे, दरिया देव थे, विठल राव दिनकर थे, व्यंकोजी भोसले थे, कि रघुजी द्वितीय थे, इनमें से कौन सा जो राजा है वो भोपालपट्टनम संघर्ष के समय छत्तीसगढ़ का राजा था। जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आपने आंसर, क्या लगाए हैं, भोपालपट्टनम संघर्ष के समय छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे, तो कौन थे, दरिया देव थे, विठल राव दिनकर थे, कि व्यंकोजी भोसले थे, कि रघुजी द्वितीय थे। ठीक है, तो ये जो भोपालपट्टनम का संघर्ष आप देख रहे हैं हुआ कब था, तो ये 1795 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1795 में। ठीक है, 1795 के अंतर्गत जो भोपालपट्टनम का संघर्ष है इसके समय नागपुर के राजा कौन थे, तो नागपुर के अंतर्गत शासन कर रहे थे रघुजी द्वितीय। ठीक है, कौन शासन कर रहे थे, तो रघुजी द्वितीय नागपुर के अधीन शासन, नागपुर के अंतर्गत शासन कर रहे थे। ठीक है, रघुजी द्वितीय जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ का राजा किसको नियुक्त किए रहते हैं, तो व्यंकोजी भोसले को क्या किए रहते हैं, ये छत्तीसगढ़ का राजा नियुक्त किए रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि व्यंकोजी भोसले के द्वारा क्या किया गया था, एक नई व्यवस्था शुरू की गई थी जिसको बोल रहे थे क्या हम, सूबेदारी व्यवस्था। और सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबेदार कौन था, तो सूबेदार था विठल राव दिनकर। सूबेदार कौन था, विठल
विठल राव दिनकर सूबेदार था। इसके अलावा बस्तर के अंतर्गत अब राजा कौन बन गया है, तो बस्तर के अंतर्गत राजा बन गया है आपका क्या, दरिया देव। ठीक है, बस्तर के अंतर्गत राजा क्या आपका, तो दरिया देव। अब आपको पूछ क्या रहा है इसमें, तो भोपाल पट्टनम के संघर्ष के समय छत्तीसगढ़ का राजा कौन था, तो छत्तीसगढ़ का राजा था व्यंकोजी भोसला। ठीक है, व्यंकोजी भोसले इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हुआ क्यों था भोपाल पट्टनम का संघर्ष, मैंने अभी आपको मराठा जब पढ़ रहे थे तब बताया था कि एक यूरोपीय यात्री है कौन, जेटी ब्लंट, कैप्टन जेटी ब्लंट, वो क्या चाह रहे हैं, बस्तर की यात्रा करना चाह रहे हैं। क्यों जाना चाह रहे हैं, तो बस्तर के अंतर्गत जो भोपालपट्टनम के जमींदार है उससे मिलने जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां के जो स्थानीय गोंड आदिवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय गोंड आदिवासी क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, और कैप्टन ब्लंट को बस्तर में प्रवेश करना नहीं देना चाह रहे। ठीक, कैप्टन ब्लंट आते हैं, कांकेर तक की यात्रा करते हैं, लेकिन बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाते और इंद्रावती नदी को पार नहीं कर पाते। 17 दिनों तक वहीं आसपास घूमते रहते हैं लेकिन बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, और यहीं से 17 दिन घूमकर फिर क्या होते हैं, वो चले जाते हैं, चलो भैया टाटा बाय बाय करके। क्लियर है? ठीक है, तो भोपाल पट्टनम का संघर्ष कब, 1795 में। ये प्रमुख प्रशासनिक लोगों को आपको ध्यान रखना है, नागपुर में रघुजी द्वितीय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यंकोजी भोसले, सूबेदार कौन, विठल राव दिनकर, बस्तर में कौन, तो दरिया देव का शासन चल रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। देखें अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रामचंद्र बाघ ने किस काकतीय शासक पर आक्रमण किया था, रामचंद्र बाघ ने किस काकतीय शासक पर आक्रमण किया था, दरिया देव पर, भोपाल देव पर, भैरम देव पर, महिपाल देव पर, किसके ऊपर आक्रमण किया था रामचंद्र बाघ ने। जल्दी से क्या करें, आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, लगा लिया आंसर आपने, तो देखिए रामचंद्र बाघ ने किस काकतीय शासक पर आक्रमण किया। ठीक है, तो किस काकतीय शासक पर आक्रमण किया, तो अब समय चल रहा है क्या आपका, तो मराठों के अधीन काकतीय वंश का क्या चल रहा है, अभी समय चल रहा है। इसमें सबसे पहले शासक कौन है, तो दरिया देव है। ठीक है, इन्हीं ने ही क्या किया है, तो बस्तर की स्वतंत्रता बेच दी है। दरिया देव के उपरांत अगले शासक आते हैं कौन, महिपाल देव, महिपाल देव के उपरांत भूपाल देव, और भूपाल देव के उपरांत आपके कौन, तो ये भैरम देव। भूपाल देव के उपरांत कौन, तो भैरम देव। ठीक है, ये शासक हैं। अब हमने देखा था कि दरिया देव के समय क्या हुआ, कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि के तहत क्या, कोटपाड़ का परगना जयपुर नरेश विक्रम देव को देना था, दे दिया। और ये दरिया देव को क्या करना था, तो दरिया देव को प्रति वर्ष 59,000 टकोली क्या करना था, तो मराठों को देना था। क्लियर है, चीजें यहां तक समझ में आ गई, अब इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, दरिया देव आए, दरिया देव चले गए। ठीक है, दरिया देव आए, दरिया देव चले गए। अब शासन आ गया है किसका, महिपाल देव का। ठीक है, किसका शासन आ गया है, महिपाल देव। ये जो महिपाल देव हैं किसके पुत्र रहते हैं, तो दरिया देव के पुत्र रहते हैं। किसके पुत्र, दरिया देव के पुत्र। अब महिपाल देव के समय में ना आपको चीजें कुछ ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ डेट्स ध्यान में रखने हैं। पहला 1809। ठीक, पहला डेट ये याद रखना आप, क्या 1809। 1809 में महिपाल देव के समय जो छत्तीसगढ़ के राजा हैं कौन, व्यंकोजी भोसले। कौन, व्यंकोजी भोसले। इस व्यंकोजी भोसले ने क्या किया, तो टकोली देने के लिए, टकोली देने महिपाल देव को निर्देश दिया, टकोली देने महिपाल देव को क्या किया, निर्देश दिया। टकोली देने महिपाल देव को क्या किया, इन्होंने निर्देश दिया। किसने निर्देश दिया, व्यंकोजी भोसले ने। कब, तो 1809 में। ठीक, क्यों टकोली देना था, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कोटपाड़ संधि के तहत इनको प्रति वर्ष क्या करना था, 59,000 टकोली देना था। किसको, मराठों को। लेकिन ये जो दरिया देव रहते हैं ये क्या करते हैं, 1778 से लेकर 1809 तक एक भी टकोली नहीं देते। मतलब 1778 से 1891 तक मान के चले, ठीक है, 1778 से 1791 तक का जो समय है वो किसका रहता है, तो दरिया देव का रहता है। उस समय तक में वो एक भी टकोली नहीं दिए। ठीक है, अब 1791 के बाद इनका समय आ गया, तो 1791 से लेकर 1809 तक ये भी एक भी टकोली नहीं दिए। ठीक है, हुआ ये होगा दोस्ती यारी में क्या हो गया, बिंबद जी से दोस्ती है किसकी, दरिया देव की। दरिया देव दोस्ती यारी में बोल दिया होगा कौन,
तो बिम्बा जी को बोला दरिया देव भाई अभी अभी तो बने हो यार राजा, थोड़ा कमान वमान दे तब दूंगा तोर पैसा ला। ठीक है बिम्बा जी, ऐसे ऐसे करते करते देखो तो 1787 बिम्बा जी निपट लिए, बिम्बा जी का काम खत्म। बिम्बा जी खत्म के बाद हमने देखा था कि क्या थी, थोड़ी सी अव्यवस्था चल रही थी मराठा शासन में। चिमड़ा जी आए और गए, चिमड़ा जी निकल लिए। फिर हमने देखा कि सूबेदारी सिस्टम शुरू हो रहा है, किसके द्वारा, वेंकोजी भोसले के द्वारा। सूबेदार आ रहे हैं महिपाल देव, तो वो पहले तो संघर्ष कर रहे हैं किसके साथ, आनंदीबाई के साथ, तो शुरू का समय इसमें निकल गया। फाइनली वेंकोजी के दिमाग में आ रहा है, अरे यार हमने तो क्या किया था भाई, संधि किया था। कहां संधि किया था, कोटपाड़ की संधि, हर साल 59,000 रुपया लेना था, ये आदमी लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। तब क्या किया, 1809 में वेंकोजी के द्वारा निर्देश दिया गया। किसको निर्देश दिया गया, तो महिपाल देव को निर्देश दिया गया। ठीक है एक लेटर लिखा गया, भैया लाओ पैसा वैसा दो, 59,000 टकोली तुम दिए ही नहीं हो यार, जमाना निकल गया 78 से लेकर 22 इधर और 9, तो आप भैया 31 साल से तुम क्या नहीं कर रहे हो यार, एक भी टकोली नहीं दे रहे हो, कोई सही बात थोड़ी ना है, लाओ टकोली वकोली दो। तो अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, निर्देश को पढ़कर, उनके संदेश को पढ़कर ये संदेश करते हैं कि जो बस्तर है वो लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। ठीक है जाओ तुमको जो करना है कर लो, टकोली वकोली नहीं मिलने वाला, बस्तर लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। ऐसा पत्र भेज दिया गया किसके द्वारा, तो महिपाल देव के द्वारा। व्यंको जी बोले वाह क्या बात है। ठीक है तो ये बोलते हैं जा तो रे भाई रामचंद्र बाघ, भाई तू तो टाइगर है करके भेजे किसको, रामचंद्र बाघ को। रामचंद्र बाघ को कहां भेजे, बस्तर, आक्रमण कर इसके ऊपर, ज्यादा बात कर रहा है ये करके, तेरे भाई के सामने ज्यादा बात कर दिया ये वाला बात था। ठीक है बात कर दिया। अब रामचंद्र बाघ निकला, आया बस्तर वाले क्षेत्र में, सबसे पहले कांकेर को पराजित करके फिर आया जगदलपुर। जगदलपुर के किले पर चढ़ाई कर दी किसके ऊपर, महिपाल देव के ऊपर। महिपाल देव के ऊपर आक्रमण किया और महिपाल देव को पराजित कर देता है। बाघ मारा अपना पंजा किसको, तो महिपाल देव को। महिपाल देव पराजित हुआ। पराजित होने के उपरांत फिर से वो क्या करता है, तो भोसलों की अधीनता स्वीकार करता है, मराठों की अधीनता स्वीकार करता है और टकोली देने के लिए मान जाता है। इसके उपरांत 1830 में, कब 1830 में, सालों के टकोली के बदले ये जो महिपाल देव थे ये सिहावा परगना मराठों को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, सिहावा परगना मराठों को दे देते हैं। सालों की टकोली के बदले क्या करते हैं, तो सिहावा परगना क्या करते हैं, मराठों को दे देते हैं। ये ले भाई, अब इतना साल का तो बोलोगे 22 साल इधर 30 साल इधर, तो 52 साल तक का तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इतना पैसा है नहीं मेरे पास। एक काम कर ले भैया, ये ले इतना परगना को भाई तू ही रख ले, ये जो सिहावा परगना है जा रख ले भाई, आज से तेरा, इस क्षेत्र में मैं नहीं आऊंगा, यहाँ का जो भी आमदनी है सब तेरा, सारा जमीन तेरा, बात खत्म। इसके अलावा एक चीज और याद रखना आप, कि जो महिपाल देव है इनके समय 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ था। ठीक है क्या हुआ था, परलकोट विद्रोह, और इसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। ठीक है इसके नेतृत्व करता कौन थे, तो इसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। ठीक है कौन थे इसके नेतृत्व करता, तो इसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक पहला क्या डेट याद रखना है आपको, तो पहला डेट याद रखना है 1809 में वेंकोजी भोसले ने क्या किया, निर्देशित किया। किसको निर्देशित किया, तो महिपाल देव को निर्देशित किया कि तू भाई क्या दे, टकोली दे। महिपाल देव क्या बोलता है, कर से हम तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते, लुटेरे हो तुम भोसलो, है ना, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करते, तुम जाओ जो करना है कर लो। फिर क्या कर दिया गया, रामचंद्र बाघ को भेजा गया, रामचंद्र बाघ आया, बाघ अपना पंजा मारा, महिपाल देव पराजित। महिपाल देव फिर से अधीनता स्वीकार किया, मालिक तुम्हारे अधीन है भाई, हम दे देंगे पैसा तुमको। ठीक है 1830 में सिहावा परगना बेचा और क्या कर दिया, उसको दे दिया। ठीक है भाई तेरा ही है ये। फिर 1824-25 में क्या याद रखना, इनके शासनकाल में परलकोट का विद्रोह हुआ था गेंद सिंह के नेतृत्व में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनजाति विद्रोह भैरम देव के समय नहीं हुआ है। ठीक है कौन सा जो जनजाति विद्रोह है वो भैरम देव के समय नहीं हुआ, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, मेरिया विद्रोह, इनमें से कौन सा जो विद्रोह है वो भैरम देव के समय में नहीं हुआ है। जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आंसर आपने। देखिए ये जो लिंगागिरी विद्रोह है इसके नेतृत्व करता है ध्रुवा राम माड़िया। ठीक है कौन है, ध्रुवा राम माड़िया।
कोई विद्रोह के नेतृत्व करता है? नागुल दोरला। नागुल दोरला और मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा, ठीक है। फिर ये दिख रहा है आपको मेरिया विद्रोह। ये जो विद्रोह है, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, ये तीन विद्रोह जो है ये भैरम देव के समय हुए हैं, ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, कोई विद्रोह 1859 में और मुड़िया विद्रोह 1876 में, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेरिया विद्रोह दिख रहा है आपको, इसके नेतृत्व करता है हिड़मा मांझी, ठीक है। कौन है? हिड़मा मांझी, ठीक। और ये विद्रोह 1842 से 1863 तक चला था, ठीक है। और ये जो मेरिया विद्रोह, और मेरिया विद्रोह के अलावा एक और विद्रोह जल्दी से आप बताएं जो किसके समय हुआ है? भूपाल देव के समय हुआ है। मेरिया विद्रोह और मेरिया विद्रोह के अलावा कौन सा एक विद्रोह? तो मेरिया विद्रोह के अलावा आपका एक क्या? तो तारापुर विद्रोह, ठीक है। कौन सा विद्रोह? तारापुर विद्रोह। ये तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह, ये दो किसके समय हुए हैं? तो भूपाल देव के समय हुए हैं। तारापुर विद्रोह के नेतृत्व करते रहते हैं दलगंजन सिंह, ठीक है। कौन रहते हैं? तो दलगंजन सिंह इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ठीक है। तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, ये किसके समय हुआ? तो भूपाल देव के समय, ठीक है। फिर भैरम देव का जब शासन आया तो ध्रुवाराम माड़िया के नेतृत्व में लिंगागिरी विद्रोह, नागुल दोरला के नेतृत्व में कोई विद्रोह और झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मुड़िया विद्रोह, ठीक है। मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी के नेतृत्व में 1842 से 63 तक, और तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह के नेतृत्व में 1842 से 1854 तक, ठीक है। देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रानी चोरिस विद्रोह की नेतृत्वकर्ता कौन थी? रानी चोरिस विद्रोह की नेतृत्वकर्ता कौन थी? सुवर्ण कुंवर, चंद्र कुमारी देवी, अजब कुंवर, जुगराज कुंवर, इनमें से कौन थी जिसने रानी चोरिस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जल्दी आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने? देखिए इसका आंसर क्या, सुवर्ण कुंवर की, चंद्र कुमारी देवी की, अजब कुंवर की, जुगराज कुंवर। तो रानी चोरिस विद्रोह की जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी जुगराज कुंवर, ठीक है। कौन थी? जुगराज कुंवर। अब जुगराज कुंवर कौन थी? तो ये जुगराज कुंवर थी भैरम देव की पत्नी। कौन थी? भैरम देव की पत्नी थी, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं चोरिस, ठीक है, रानी चोरिस विद्रोह, तो चोरिस, चोरिस का अर्थ होता है रानी का कोप। रानी चोरिस मतलब रानी गुस्या गई है, रानी कोप में है, कोप भवन में चल रही है, ठीक है। जैसे कि कैकई चल दी थी कहां पर? कोप भवन में। वैसे ही कौन गुस्सा आ गई है? तो जुगराज कुंवर गुस्सा आ गई है, और इस विद्रोह को क्या बोल रहे हैं हम? रानी चोरिस का विद्रोह बोल रहे हैं, ठीक है। रानी का कोप, क्यों कोप? तो ये जो भैरम देव है, कौन? भैरम देव, ये एक ब्रिटिश कैप्टन फैजर के कहने पर, ब्रिटिश कैप्टन फैजर के कहने पर क्या कर लेते हैं? एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह कर लेते हैं। किससे विवाह कर लेते हैं? मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह कर लेते हैं। और मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करने से पहले जो भैरम देव हैं, इनकी जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर, ये दो पत्नियां ऑलरेडी है। इसके उपरांत फैजर के कहने पर भैरम देव क्या कर ले रहे हैं? मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह कर लिए रहे हैं। नवाबाई से विवाह कर लिए तो ये जो जुगराज कुंवर रहती है, हम लोग दो कम पढ़ रहे हैं क्या? जो और एक कर रहे हो भैया, तुम क्या हो, हिंदू हो, मुस्लिम नहीं हो जो तीन तीन शादी करोगे, है ना। तो जुगराज कुंवर क्या होती है, यहाँ पर गुस्सा हो जाती है किससे? भैरम देव से, और भैरम देव के विरुद्ध क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। भैरम देव और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भी क्या कर देती है? ये विद्रोह कर देती है, ठीक। विद्रोह की, इस विद्रोह में बस्तर की सारी महिलाओं ने भी क्या किया था? तो जुगराज कुंवर का साथ दिया था, ठीक। और इस विद्रोह के अंतर्गत एक नारा दिया गया था, उसमें कहा जाता था कि या नवाबाई छोड़ो या तो बस्तर की राजगद्दी छोड़ दो, ठीक है। या तो नवाबाई छोड़ो या बस्तर की राजगद्दी छोड़ दो, भैया हमको ऐसे राजा की जरूरत नहीं है जो पल पल में क्या करते रहे, किसी से भी शादी करते रहे, ठीक। अंततः कहा जाता है कि भैरम देव को अपनी हार माननी पड़ी, और इस, ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह में रानी की विजय हुई, ठीक है। इसलिए जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी महिला भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी महिला इनको कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन,
घैटी पोनी प्रथा का उल्लेख किसने किया है? घैटी पोनी प्रथा का उल्लेख किसने किया है? चैपमैन ने, फॉरेस्टर ने, ब्लंट ने कि कोलब्रुक ने? ये जो घैटी पोनी या घटो पोनी प्रथा है, इसका उल्लेख किसने किया? चैपमैन ने किया, फॉरेस्टर ने किया, ब्लंट ने किया कि कोलब्रुक ने किया? जल्दी से आप अपना आंसर दें, किसने इस प्रथा का उल्लेख किया है? लगा लिया आपने आंसर? देखिए, सबसे पहले हम घैटी पोनी प्रथा के बारे में ही पढ़ लेते हैं। इसमें ये जो घैटी पोनी दिख रहा है आपको, इसका अर्थ, ठीक है, किसका अर्थ? घैटी पोनी का अर्थ होता है कुटुंब, कुटुंब या परिवार की बहाली, कुटुंब या परिवार की बहाली, कुटुंब या परिवार की बहाली, ठीक है। इस प्रथा के अंतर्गत, किस प्रथा के अंतर्गत? तो घैटी पोनी प्रथा के अंतर्गत धोबी, कलार, सुंडी और पनरा, धोबी, कलार, सुंडी, पनरा जाति की महिलाओं का विक्रय होता था, ठीक है। क्या किया जाता था? इन जाति की महिलाओं को बेचा जाता था, ठीक है। इन जाति की कैसी महिलाओं को बेचा जाता था? तो इन जाति की ऐसी महिलाएं जो क्या हो, या तो विधवा हो या अपने पति द्वारा त्यागी गई हो, ऐसी महिलाओं का क्या होता था? विक्रय होता था, ऐसी महिलाओं को बेचा जाता था। ऐसी महिलाओं का जो खरीददार होता था वो उसी जाति का होता था जिस जाति की ये महिलाएं हैं। मान लो धोबी जाति की महिला है तो धोबी जाति की महिला का खरीददार धोबी जाति का ही पुरुष होगा, है ना। कलार जाति की महिला है तो कलार जाति की महिला का खरीददार कौन होगा? तो कलार जाति का ही पुरुष होगा। अगर सुंडी जाति की महिला है तो सुंडी जाति के महिला का खरीदार क्या होगा? तो सुंडी जाति का ही पुरुष होगा। और पनरा जाति की महिला है तो पनरा जाति का खरीदार भी क्या होगा? पनरा जाति का ही पुरुष होगा। क्लियर है? ऐसी एक प्रथा बनाई गई थी कब? तो रुद्र प्रताप देव के समय, ठीक है, ब्रिटिश शासक, सॉरी, काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय। इस प्रथा का अंत भी उनके समय ही होता है। और ये जो प्रथा है इसका उल्लेख यूरोपीय यात्री चैपमैन ने अपने रिपोर्ट में, यूरोपीय यात्री चैपमैन ने अपने रिपोर्ट में किया था, ठीक है। कब का रिपोर्ट है इनका? तो 1898 के रिपोर्ट में ब्रिटिश यात्री या यूरोपीय यात्री चैपमैन ने क्या किया है? इस प्रथा का उल्लेख किया है। क्या किया है? इस प्रथा का उल्लेख किया है। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब इसको क्या जानना है, अर्थ क्या? तो कुटुंब या परिवार की बहाली, इसके अंतर्गत धोबी, कलार, सुंडी, पनरा महिलाओं का क्या होता था? विक्रय होता था। ऐसी कैसी महिलाएं? तो या तो जो विधवा हो या उसको उनके पति के द्वारा क्या कर दिया गया है? त्याग दिया गया है। तब ऐसी महिलाओं को विक्रय किया जाता था। और इन महिलाओं के जो खरीददार होते थे ये उसी जाति के ही पुरुष होते थे। किसने यह प्रथा शुरू की? तो प्रताप रुद्र देव ने की, ठीक है। अंत किसने किया? तो प्रताप रुद्र देव ने ही किया। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो ब्रिटिश यात्री चैपमैन की रिपोर्ट 1898 में हमको इस प्रथा के बारे में क्या होता है? उल्लेख मिलता है। क्लियर है? अगला, किस संगठन की स्थापना प्रवीर चंद्र भंजदेव ने नहीं की थी? किस संगठन की स्थापना प्रवीर चंद्र भंजदेव ने नहीं की थी? किसान मजदूर संघ, आदिवासी सेवा दल, लोहंडी गुड़ा तरंगिनी, इनमें से कोई नहीं। किस संगठन की स्थापना प्रवीर चंद भंजदेव ने नहीं की थी? जल्दी से आप अपना आंसर दें। लगा लिया आपने आंसर? प्रवीर चंद भंजदेव संपूर्ण काकती वंश के क्या? तो अंतिम शासक, ठीक है, काकती वंश के क्या? अंतिम शासक। जब भारत आजाद हुआ और भारत आजादी के बाद जब रियासतों का विलय शुरू हुआ तो उन रियासतों के विलय में जो प्रवीर चंद भंजदेव थे इन्होंने ही क्या किया था? बस्तर रियासत की ओर से हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इनके द्वारा किसान मजदूर संघ और आदिवासी सेवा दल नामक संगठनों की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसान मजदूर संघ एवं आदिवासी सेवा दल नामक संगठनों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। और ये जो लोहंडी गुरु तरंगिणी देख रहे हैं आप, ये संगठन नहीं है, ये क्या है? इनकी रचना है, ठीक है?
ठीक है, लोहिंडी गुरु तरंगिणी क्या है, इनकी रचना है और यही क्या है इसका आंसर है, किस संगठन की स्थापना प्रवीरचंद भसदेव ने नहीं की थी। तो इन दोनों संगठनों की स्थापना तो की थी, है ना, इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लोहिंडी गुरु तरंगिणी है, लोहिंडी गुरु तरंगिणी क्या है, तो लोहिंडी गुरु तरंगिणी जो है ये इनकी रचना है। इसके अलावा प्रवीरचंद भसदेव की एक और रचना है आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, ठीक है, क्या है रचना उनकी, आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, ठीक है, ये क्या है, दो रचनाएं हैं किसकी, प्रवीरचंद भसदेव की, ठीक है। प्रवीरचंद भसदेव कौन, तो संपूर्ण काकतीय वंश के अंतिम शासक, ठीक है, संपूर्ण काकतीय वंश के क्या, तो अंतिम शासक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जानना कि जो प्रवीरचंद भसदेव है इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा क्या किया जाता है, तो इनकी स्मृति में तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, इनकी स्मृति में तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई आपको, इस तरह आपका काकतीय वंश क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आगे जो अब हमारा कल टॉपिक आएगा इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ब्रिटिश शासन एवं छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, मतलब 1854 से लेकर 1947 तक के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था कार्य की, फिर ब्रिटिशों के विरोध में कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ और उन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था, इसके बारे में क्या करना है आगे के वीडियो में हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो कल से हम क्या शुरू करेंगे, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास या ब्रिटिश शासन एवं छत्तीसगढ़ पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।